जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक बार और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद हूं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको जो डीएलएड बिहार डीएलएड का जो फॉर्म निकल के आया है, जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, जो डीएलएड करना चाहते हैं, उनके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। जो सिर्फ अभी इंटर करके ही आए हुए हैं, मतलब उनको ये पता नहीं है कि मुझे मतलब डीएलएड क्या होता है, बीएड क्या होता है, या टीचर, बस उनको इतना पता है कि मुझे टीचर कैसे बनना है। तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना खर्च आएगा, कितनी रैंक लाने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज का क्या खर्च होगा, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या खर्च होगा, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, और सिलेबस क्या होता है, एग्जाम कब होगा, आंसर की कब आएगा, मतलब ऑल टू डेट, यानी सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट खबरें हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए जो क्वालिफिकेशन दोस्तों होनी चाहिए वो ट्वेल्थ पास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ट्वेल्थ पास आपकी क्वालिफिकेशन हो चाहिए, और ट्वेल्थ में आपके अगर मार्क्स हैं तो ट्वेल्थ में आपके 50% के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। यानी 50% भी है तो चल जाएगा, उसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई डेट कब से कर सकते हो, तो 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है दोस्तों, तो एग्जाम डेट वही आपकी 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024 में आपका एग्जाम होगा, यानी 6 दिन के अंदर अंदर इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो दोस्तों इस समय जो डीएलएड है क्या ये डीएलएड, ठीक है दोस्तों, इस समय देख रहे होंगे बिहार में ताबड़तोड़ शिक्षक भर्तियां चल रही हैं और लगातार जाने कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं। लगभग 3 लाख वैकेंसी बिहार में आनी थी लगभग, उसका तो दूसरा चरण अभी बिहार जो अभी एग्जाम लगा हुआ है दोस्तों आपका स्टार्ट होने हो ही गया है। लगभग बिहार का एग्जाम स्टार्ट हो ही गया है, जो टीचर वाला था 2.0 वाला, यानी जो सेकेंड था। तो लगभग ताबड़तोड़ टीचर की वैकेंसी आ रही है जो डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। और अभी बीएड वालों के लिए भी है कि लगभग कुछ लोग डीएलएड करते हैं। प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आपको पढ़ाना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा, और अगर आप कक्षा 5 के ऊपर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा। ये एक डिप्लोमा होता है, बीएड एक डिग्री होती है, ठीक है। तो बीएड वही आप प्राइमरी से आप सेकेंडरी में अगर जाएंगे तो वही 5th to 8th के बीच में आपको बीएड करना पड़ेगा, और 5th से 8th में बीएड कभी करने के बाद 5th से 8th में पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट टीचर, उसके लिए आपको बीएड करना होगा, और उसके बाद देना आपको और भी एग्जाम्स होते हैं, सीटेट वगैरह आपको देना होगा। अगर सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो सीटेट, या फिर अगर आप बिहार के हैं तो सुपर टेट एस्टेट वगैरह आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं, एग्जाम डेट आपका 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024, आंसर की कब आएगी इसकी, तो 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। देख रहे हैं ना, एकदम बिहार वाले एकदम फिक्स करके रखे हैं कि कब क्या होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, इसका पूरा डिटेल्स पहले से ही आ गया है। और लगभग जो वैकेंसी की मैं बात करूंगा अभी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग बात करें तो आंसर की 20 मार्च से 25 मार्च आएगी, रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा। रिजल्ट का इन्होंने दोस्तों डेट नहीं दिया, क्योंकि मान लीजिए इन्होंने क्वेश्चंस दिए, उसमें से कुछ बच्चों के क्या निकल आएंगे, कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं जैसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन गलत दे दिया गया या फिर ऐसा कुछ है तो वो चेक करके उसको क्वेश्चन को सही करके देन जाके वो अप्रैल, मतलब रिजल्ट आपका अप्रैल में ही आएगा। अब किस दिन आ सकता है ये नहीं कन्फर्म है, वो डेट जैसे ही आएगी तो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग कब से आप करा सकते हैं, यानी एडमिशन कब से आप इसका करा सकते हैं, तो एडमिशन आप वही मई और जून के बीच में आप करा सकते हैं। मई से स्टार्ट हो जाएगा, मई जून तक चलेगी इसकी काउंसलिंग, काउंसलिंग करा लीजिए और उसके बाद एडमिशन। आप सर एडमिशन तो करा लेंगे लेकिन खर्चा कितना आएगा, खर्चा भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए, खर्चा भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मिनिमम इसकी जो एज है, तो मिनिमम एज यानी कितने साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मान के चलिए 17 साल के हैं अगर आप, तो 17 साल से लेके जब तक आपको फॉर्म भरना चाहे तब तक आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड है यहाँ पर। इसके लिए कोई एज नहीं है कि आप, मतलब फिक्स एज नहीं है कि आप भर सकते हैं। बाकी एक आदमी इंसान कितने दिन तक ट्राई करेगा आप खुद ही समझ सकते हैं, 35 साल 40 साल 40 तक कर सकता है, 45 तक करेगा, अब बुढ़ापे में थोड़ा ना करेगा, खुद ही छोड़ देता है वो, तो वही लगभग मान चलिए 40 से 45 तक। अगर देखिए करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन करता कौन है ना, इतना प्रेशर रहता है, कौन गवर्नमेंट जॉब क्यों करता है, प्राइवेट टीचर है ना, तो ये चीजें रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं एज कब से काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट होगी, 1 जनवरी 2024 से इसके लिए एज काउंट होगी। तो वही आप 17 साल से लेके जितने साल तक के लोग हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, तो पेपर की लैंग्वेज आपकी दोस्तों या तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, यानी हिंदी या इंग्लिश आपकी दोनों भी पेपर लैंग्वेज होगी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर आपकी लैंग्वेज रहेंगी। ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों, जी हाँ, आपका पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा,
तो आपका जो पेपर है दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैसा होगा भाई? ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, ठीक है, सीबीटी के द्वारा एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड के द्वारा। और दोस्तों लगभग ज्वाइनिंग लगभग सीटें कितनी निकलती हैं? तो दोस्तों बात करें तो सीटें हर साल लगभग सीटें अभी देखे पिछले साल 30,000 सीटें थी, लगभग 30,000 है ना, तो इस बार भी लगभग 25,000 से 30,000 सीटें हैं लगभग, क्योंकि फिक्स होती हैं 25,000 30,000, हो सकता है 1-2 हज़ार ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन ये है कि 25 से 30 के ऊपर भी रह सकती है, थोड़ा सा नीचे, लेकिन लगभग 30 के आसपास ही रहने वाली हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। फीस क्या लगेगी? डीएलएड जो धारक है, डीएलएड जो करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई करने की फीस क्या होगी? यानी कि पूरी फीस आपकी सीधे 2 साल का डीएलएड होता है तो 2 साल की 960, ऐसा नहीं भाई, आपकी जो फॉर्म अप्लाई फीस है वो आपकी अप्लाई फी है 960, यानी जनरल या ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ये तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जो फीस है वो आपकी रहेगी कितनी? 960, ठीक है, 960 रुपीज रहने वाली है। उसके अलावा अगर मेल हो या फीमेल हो इसमें वही 960, और एससी एसटी में मेल हो फीमेल हो तो वही 760 रुपीज आपकी इसके यहाँ पर फीस पड़ने वाली है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। आप फीस भी हमने भर दी, अप्लाई भी कर दिया, भर दिया, अब सर पेपर में आएगा तो क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा इसका? तो सिलेबस मैं आपको दोस्तों बता दूं तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सर निगेटिव मार्किंग? तो कोई भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं होगी, नो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी बात है, जो डीएलएड करना चाहते हैं वहाँ पर आज यहाँ पर नो निगेटिव, यानी निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिला। अब सर सिलेबस आएगा तो क्या आएगा? तो देखिए हिंदी या फिर उर्दू, तो हिंदी उर्दू के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी जिन्होंने हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो उसको हिंदी रहेगा, जो उर्दू वाले हैं तो उनको उर्दू रहेगा। रीजनिंग के लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन। अब जीके में लगभग पूरा जनरल नॉलेज में सबके इतिहास जियोग्राफी अलग सब कुछ जीके में पूछ सकते हैं, करंट के भी 1-2 क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मिडवल हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और ये सभी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, यानी ये सभी जीके में लगभग सभी टॉपिक से लगभग क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो याद रखिए आप। अब सर देखिए खर्चा लगभग कितना आएगा इसमें और रैंक कितनी लानी पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये भी प्रश्न है काफी कैंडिडेट्स का, है ना। तो सर खर्चा कितना आएगा? अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों आपका जो खर्च आएगा वो मैं बता दूं आपको, तो वही फर्स्ट ईयर लगभग 10 फर्स्ट ईयर का नहीं, 1 साल का वही 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आएगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप करते हैं डीएलएड तो लगभग 10 से 15 हज़ार खर्च आ गए सिर्फ वहाँ की, मतलब फीस, सेशनल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ मिला के 10 से 15 हज़ार रुपये। इसमें नहीं कि आप गए आने जाने का किराया भाड़ा खा भी रहे हैं जो भी, वो सब नहीं जुड़ा है भाई, वो नहीं जोड़ा गया है, ये सिर्फ कॉलेज से रिलेटेड जो आपका वर्क होगा, एजुकेशन से रिलेटेड जो वर्क, अब ये आप जा रहे रास्ते में रिक्शे वाले को दे दिए, ये दे दिए, तो ये सब खर्चे इंक्लूड नहीं है। आपके जो खर्चे इंक्लूड है वो सिर्फ कॉलेज से इंक्लूड है, फाइल्स हो गई, सेशनल एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, बुक्स हो गई, तो ये सब चीज़ें मिला के लगभग 10 से 15 के आपका लगेगा, 15 के मतलब 1,000। सेकेंड ईयर में भी लगभग आपका 10 से 15 हज़ार रुपये लगेगा टोटल, अगर खर्च आ जाएगा तो 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपके 2 साल का खर्च आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज के खर्च की बात करूं, तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग 1 लाख से ऊपर आपका बजट हो तभी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात बता दूं दोस्तों, तो प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की ही फीस, क्योंकि इनको बता दिया गया कि ये 60,000 से ऊपर फीस नहीं ले सकते हैं, जो भी प्राइवेट या एडेड कॉलेज हैं उनको ये सीधे इंफॉर्मेशन दी गई है, हिदायत दी गई, तो आप 60,000 से ऊपर फीस नहीं ले सकते हैं। तो लगभग अगर मान लीजिए 60 भी ले रहे हैं तो 60,000 फर्स्ट ईयर की और 60,000 सेकेंड ईयर की, तो लगभग 1,20,000 का खर्चा आएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, लगभग इसी के अप्रॉक्स में 1 लाख के आसपास कहीं 50,000 फीस है, कहीं 55,000 है, तो ये वहाँ के आपके डिस्ट्रिक्ट के और जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कितनी फीस ले रहे हैं, ठीक है। लगभग फिक्स है 60,000 से ऊपर नहीं ले सकते हैं, और नीचे वो ले सकते हैं, ऊपर की तो नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अब सर बिहार, जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग जो भी टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए मैं लगभग मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। और मैं बता दूं अगर आपके पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी कैंडिडेट मिस हो जाते हैं एग्जाम टाइम, तो लगभग ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया है अप्लाई करने के लिए, 15 डेज का टाइम है आपका, 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच, यानी 15 दिन में ही आपको फॉर्म जो फिल करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होगी ही होगी, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ओबीसी का है तो एनसीएल वाला हो जाना चाहिए, जनरल वाला है तो ईडब्ल्यूएस का चल जाएगा, और आपका डोमिसाइल होना चाहिए, जिन्होंने बिहार एसएससी का भरा होगा तो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा, डोमिसाइल भी उनके पास होगा, तो आसान सा है। तो ठीक है, तो लगभग इतना डेटा, लगभग खर्च को दोस्तों मैंने बताया आपको, लगभग अगर प्राइवेट और इसमें अब बात करता है रैंक की, तो रैंक का दोस्तों देखिए अभी एग्जाम जब होगा तो रैंक आपकी जो रहने वाली है वो रैंक वहां पर जब आपकी काउंसलिंग होगी ना, जब काउंसलिंग जब आपकी होगी तो उस काउंसलिंग में जो ग्रीन कलर से उसमें आपका होके आएगा, ग्रीन या रेड में दो फॉर्मेट में आता है उसमें, तो उसमें आपकी रैंक दर्शाई जाएगी, इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में दिए जाएंगे, और अदर जैसे उसमें होगा, क्योंकि रैंक का तो कुछ अभी आइडिया है नहीं, ठीक है, तो वो इस बार देखने को मिलेगा, देन अगली बार से सही रहेगा, तो ये चीजें रहने वाली है। तो ये पूरी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई बिहार में जो डीएलएड का वैकेंसी आया है, फॉर्म आया है 2024 में, ठीक है, यानी अभी स्टार्टिंग में ही, अभी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 2024 में, तो पूरा डेटा इस करा है। फिलहाल अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।